गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। और अभी बज रहे हैं लगभग सुबह के 7:30 और हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए बस पकड़ने। और हमारी बस आएगी कौन से चौक में आएगी, हरसिद्धि मंदिर के पास। तो हमारे टीम के सिर्फ 3 लोग जा रहे हैं दोस्तों, बाकी 2 देख सकते हैं घोड़े बेची सो रहे हैं, अभी भी विकास भी है इधर, राहुल भाई। तो चलते हैं अपन अभी बस पकड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बस के पास। दोस्तों ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और अपनी टीम चल रही है, और अभी अपन लोग जा रहे हैं चौक के पास जहाँ पर हरसिद्धि माता की मंदिर है, वहाँ से बस चलेगी दोस्तों। तो अभी टिकट कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा कि इधर कहीं लेना है? तो बस के पास ही अपन को टिकट लेना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद टिकट लेके चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं पीछे हमारी बस खड़ी हुई है, टिकट ले लिया हमने 3 टिकट। और इसके बाद हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि अपन नाश्ता नहीं किए हुए हैं। उसके बाद बस छूटने वाली 10 मिनट में, फिर निकलेंगे दोस्तों ओमकारेश्वर के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नाश्ता करके। तो दोस्तों फाइनली हम सभी ने नाश्ता कर लिया है और देख सकते हैं पीछे हमारी बस। तो अब हम लोग जाने वाले बस में अपनी जगह में। तो चलिए दोस्तों सीट में मिलते हैं अपने वहीं। दोस्तों फाइनली देख सकते हैं आप अपन सीट ग्रहण कर लिए, प्रकाश भी इधर है और पूरी बस अभी खाली है, शायद भर सकती है थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों अब सफ़र के लिए हम रेडी हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो दोस्तों अभी हमारी बस रुकी हुई है, 10 मिनट का स्टॉपेज है। तो अपन सभी रुके हुए हैं, यहाँ नीचे उतरे हैं और ये गांव महू है, बस यहाँ से आधे घंटे का रास्ता और है, उसके बाद अपन पहुँच जाएंगे ओमकारेश्वर। और ये गाय भी हमारे ब्लॉग में आना चाहती है दोस्तों, बहुत देर से हमारे पास घूम रही है बेचारी। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ अपन कुछ चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र पूरा करेंगे और पहुँचेंगे ओमकारेश्वर। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों फाइनली हमारी बस शुरू हो चुकी है, इधर देख सकते हैं इधर अपना सुनील भाई बगल में रहे, और इधर नज़ारा देख सकते हैं बहुत मस्त नज़ारा है। अभी मैं आपको बाद में पहाड़ का नज़ारा दिखाऊँगा, बहुत ही बेहतरीन व्यू है, नेचर का पहाड़ है, खाई है और जंगल वंगल। तो चलो दोस्तों बस अब इंतजार नहीं हो रहा है, कब हम चलते हैं ओमकारेश्वर पहुँचे हम सर्दी से निकले। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली अपन उज्जैन से 4.5 घंटे के सफ़र तय करने के बाद पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर के पास। और यहां से हम बस से फिर 2 या 3 किलोमीटर ऑटो से आए, और उसके बाद यहां से उनका मेन गेट है, और अपन अब यहां से 600 मीटर दूर जाना पड़ेगा अपन को। तो अपन चल रहे हैं, हमारी टीम पीछे देख सकते हैं आप, और हमारे टीम के 2 मेम्बर्स नहीं आए हैं, तो वो दोनों तो बहुत मिस करेंगे इस जगह को, और बहुत बेहतरीन जगह है। हम लोग प्रवेश द्वार के पास आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ से दूरी 600 मीटर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन की, और हम लोग जाने वाले हैं अभी यहाँ से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है घाट, और ये जो सामने अपन को दिख रहा है यही है दोस्तों मुख्य मंदिर जो ओमकारेश्वर का है, और यहाँ भी अपन थोड़ी देर में जाएंगे। अभी तो यहीं क्योंकि वो नदी के उस पार है दोस्तों, तो अपन को पुल क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, यहाँ बोटिंग भी हो रही है, बोटिंग भी करेंगे अपन लोग। दोस्तों इसको देख के मुझे ऋषिकेश की याद आएगी, जब मैं ऋषिकेश गया था वहाँ भी ऐसा ही सीन था, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन प्लेस है ये। तो उज्जैन है तो ज़रूर आप 150 किलोमीटर और सफ़र तय करके यहाँ ज़रूर आए। दोस्तों आपकी जो सामने पुल दिखाई दे रही है कि इससे होकर ही हमको इस मंदिर तक जाना पड़ेगा जो कि यहाँ का मुख्य मंदिर है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से, या तो हो सके हम बोट से जा सकते हैं और या फिर उस पुल से जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमें बोट मिल गया है, और हम लोग बोट करके अभी घूमेंगे दोनों तरफ, एक उधर से भी ले जाएंगे इधर भी ले जाएंगे, तो दोनों तरफ घूम के। चलिए दोस्तों आपको बोटिंग के मज़े कराते हैं। हमारी नाव चल चुकी है और हम सभी बैठे हुए हैं, इधर भैया है जो नाव चला रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, कितना बेहतरीन व्यू है। नदियों का संगम है इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर नर्मदा नदी और यह कावेरी नदी, तो दोनों नदियों का यहीं पर संगम है दोस्तों। ये संगम स्थल है नर्मदा नदी और कावेरी नदी का, और देख सकते हैं आप इधर चारों ओर का व्यू।
दोस्तों हम लोगों ने बोटिंग कर लिया और जस्ट हमारे पीछे जो ऊपर साइड है वो ओमकारेश्वर मंदिर, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। उस टीम दोस्त अपन उस साइड थे, तो हमने आपको बोला था कि हम बोटिंग से या तो पुल से आएंगे, तो हम बोटिंग से इधर आ गए और इधर भाई लोग हाथ पैर धो रहे हैं, मुँह धो रहे हैं, इसके बाद अपन जाएंगे ओमकारेश्वर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ओमकारेश्वर। तो दोस्तों ये ओमकारेश्वर मंदिर के सामने के व्यू है, जो घाट थे अपन जो पहले थे, तो ये देख सकते हैं आप, ऐसा भी धूप है इस वजह से हल्का डार्क दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों फाइनली बहुत ज़्यादा घुमावदार सीढ़ी को चढ़ने के बाद हम आ चुके हैं मंदिर के पास। ही देख सकते हैं आप, पीछे मेरे मंदिर है। भीड़ देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ से आप देख सकते हैं। ऊपर जाना है अपन को पूरी, और पूरा का पूरा भीड़ देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ को चिढ़ते हुए अपन बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। जस्ट अब हमारे पीछे मंदिर है और इधर बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ लगा हुआ है। हमने इस भीड़ को चिढ़ते हुए आया दोस्तों, और इसके बाद से अब हम पहुंचने वाले हैं। तो खुशी तो बहुत है कि चल बहुत जल्दी पहुंच गए। चलिए दोस्तों आपका दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर बढ़िया फैन लगा हुआ है और बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि इतना धूप है, गर्मी बढ़ी हुई है, और फैन का हवा पा के बहुत सुकून मिला। और अब और उत्साहित हो चुके हैं अपन लोग, क्योंकि बहुत करीब आ चुके हैं। तो दोस्तों यही है नंदी जो कि ओमकारेश्वर के सामने है, और यही नंदी जो उनका इंतजार कर रहे हैं भगवान जी का। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने ओमकारेश्वर जी के दर्शन कर लिए हैं, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। और इसके बाद हम यहाँ पर महादेव मंदिर, श्री महादेव मंदिर भी आए हुए हैं जो हमारे पीछे है, तो उसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों अब तो दर्शन हो गया, अब कहाँ चल रहे हैं? हाँ, अब वो पुल जाएंगे दोस्तों, जो कि हमने आपको पहले दिखाया हुआ था। उस पुल में जाने के बाद वहाँ से अपन करेंगे खाना पीना, क्योंकि अपन लोग को बहुत देर से भूख लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, किस बात की देरी। तो ये नज़ारा है ओमकारेश्वर के सामने के घाट का, देख सकते हैं हम अभी ओमकारेश्वर मंदिर में है, और जो सामने का नज़ारा देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। यहाँ नाव भी है, आप सवारी भी कर सकते हैं यहाँ आकर इस पे नाव की। और इधर बहुत ही बेहतरीन धूप निकली हुई है, इस वजह से आपको थोड़ी डार्क दिख रही होगी दोस्तों। दोस्तों थोड़ी देर बाद अपन इस पुल में जाएंगे, देख सकते हैं ये पुल कितना बड़ा है और पूरा उस पार तक गया हुआ है, और थोड़ी देर में ये अपन चलने वाले। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस पुल में। अपन आ चुके हैं झूला पुल में, और अभी हम झूला पुल में हैं, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, पूरे पीछे तक गई हुई है उस साइड तक। अपन अभी उस पर जाएंगे, क्योंकि अपन को उधर से बस पकड़ना है। तो चलिए दोस्तों आपको मैं झूला पुल से नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, कैसा दिखता है झूला पुल से नीचे का एरिया। झूला पुल के नीचे का एरिया कुछ इस तरीके से दिखता है। इस साइड आपको एक डैम दिख रही होगी बड़ी सी, जो अभी शायद बंद है गेट इसका। और इधर दोस्तों आपको दिखेगा जो ओमकारेश्वर की मंदिर है वो है इधर, और घाट भी है। तो मैं आपको घाट दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए इधर घाट और ओमकारेश्वर है। तो दोस्तों ये है झूला पुल का एंडिंग, और यहाँ पर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में आपके पधारने का धन्यवाद बोला जा रहा है हमको। अब हम ओमकारेश्वर से क्योंकि बाहर जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब घर की ओर। दोस्तों हम सभी लोगों ने खाना खा लिया है, और अभी देख सकते हैं ये हमारी ऑडी खड़ी हुई है, और इसमें अपन जाएंगे बस स्टैंड। तो यहाँ से बस स्टैंड जाने वाले हैं दोस्तों, चलिए चलते हैं बस स्टैंड, और वहाँ से बस पकड़ के जाएंगे उज्जैन पम। तो दोस्तों हम ऑटो से आ चुके बस स्टैंड, और ये जो पीछे खड़ी है इस बस, ये बस जाने वाली उज्जैन। तो हम इस बस में जाने वाले हैं दोस्तों, और हमने रास्ते में पीने के लिए ले लिया कोल्ड ड्रिंक। तो चले भाई लोग सब चलो गाइस, चलते हैं अब उज्जैन में। तो दोस्तों फाइनली 5 घंटे के सफर के बाद अपन फिर से आ चुके हैं उज्जैन महाकालेश्वर की बस। हालांकि बस वाले ने हमें बहुत दूर में छोड़ा है दोस्तों, हमको बहुत दूर जाना है उधर, और हम जाएंगे थोड़ी देर में पैदल चलते हुए। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं रूम जल्दी से, क्योंकि विकास भी और राहुल भाई हमारा वेट कर रहे हैं बहुत देर से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं रूम में।
चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं देख सकते हैं अपने रूम में, और बस वाला हमको यहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया था। तो हमको पैदल आते 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 अब पहुँच चुके हैं हम, और अब फ्रेश वगैरह होकर फिर जाएंगे अपन खाना खाने। और हमारे टीम के जो 2 बंदे हैं वो अभी मार्केट घूमने गए हैं, उनके आने का वेट करेंगे, उसके बाद जाएंगे दोस्तों खाना खाने। तो चलिए अपन मिलते हैं। दोस्तों फाइनली अपन आ चुके हैं डिनर करने, देख सकते हैं हमारी टीम पूरी रेडी हो चुकी है इधर आके, और अभी अपन खाने वाले हैं खाना, और उसके बाद फिर जाएंगे रूम में और आराम करेंगे। तो चलिए दोस्तों खाना खाते हैं जल्दी से। तो फाइनली अपन आ चुके हैं खाना खाकर, और सभी देख सकते हैं हमारे टीम मेंबर्स अब रेस्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, और दोस्तों अभी हम सोने वाले हैं, अब मिलेंगे हम आपको सुबह। तो दोस्तों गुड नाइट। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 9 और हम सब रेडी हो चुके हैं चेकआउट करने के लिए। अब अभी हम लोग चले करेंगे ऐसे चेकआउट, फिर थोड़े बहुत शॉपिंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने स्टेशन और फिर जाएंगे बिलासपुर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको शॉपिंग करते हुए। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, आपको मिलेगी महाकालेश्वर मंदिर से चढ़ाए हुए फूलों से बनी अगरबत्ती। तो हम दोस्तों हम भी घर के लिए लेके जा रहे हैं। अपन लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने, और देख सकते हैं हमारी टीम बैठ चुकी है इधर। तो दोस्तों हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं विक्रमादित्य का टीला। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं विक्रमादित्य का टीला। दोस्तों जो विक्रमादित्य का टीला है वो महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट पास ही है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो मंदिर महाकालेश्वर मंदिर है, और जस्ट उसके अगले कोर में जो है छोर में यहाँ पर ये है विक्रमादित्य का टीला। तो दोस्तों यही है विक्रमादित्य का टीला, और सामने देख सकते हैं प्रतिमा उनकी, मैं इनको फोकस में लेने की कोशिश करूँगा। और जो सामने आपको जो दिख रही है वही है रुद्र सागर दोस्तों, जिसपे द थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा का जो तीसरी आँख है वो है। और इधर देख सकते हैं उज्जैन का जो मुख्य मंदिर है महाकालेश्वर का, वो दिखाई दे रहा होगा आपको। दोस्तों विक्रमादित्य का टीला आप लोगों ने देख लिया होगा, और अभी हम लोग का टाइम हो गया है लंच करने का। तो अभी हम लोग जाएंगे लंच करने, फिर हम लोग का ट्रेन है दोस्तों 4:30 बजे, तो फिर स्टेशन भी जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से करते हैं लंच। अपन आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, और देख सकते हैं हमारी टीम पूरी आ चुकी है, और अपन करने वाले हैं यहाँ पर लंच, उसके बाद निकलेंगे अपन स्टेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको लंच करने के बाद। तो हम लोगों ने लंच कर लिया है, और अभी हम लोग आ चुके हैं रूम में क्योंकि हमारा सामान यही रखा हुआ था, और इसके बाद अपन लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बैग सामान पैक करते हैं, यह देखिए पड़ा हुआ है, और फिर निकलते हैं स्टेशन के लिए। तो हम लोगों ने अपना सामान ले लिया है अपने से, और अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन जो कि यहाँ से 1.7 किलोमीटर की, तो अपन सोच रहे पैदल ही चले जाते हैं थोड़ा घूमते हुए क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। अभी हो रहे दोस्तों 2:30 बज रहे हैं, और हम लोग का ट्रेन है 5:30, तो चलते हैं पैदल पैदल दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अपन पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन उज्जैन का, और अभी हम बज रहे हैं लगभग 3:30, और हम लोग की ट्रेन आएगी 5:30 बजे। तो अभी हम लोग पास 2 घंटे दोस्तों, तब तक यहाँ ही मस्ती करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, जल्दी से हमारी ट्रेन आने का इंतजार करते हैं अपन। दोस्तों देख सकते हैं आप, फाइनली हम उज्जैन को बाय बाय कर दिए, और महाकाल की नगरी को बाय बाय बोलकर हम निकल चुके हैं बिलासपुर की ओर। और कल सुबह अपन दोपहर में 1:30 बजे या 2 बजे तक पहुंच जाएंगे दोस्तों बिलासपुर। तो चलिए दोस्तों आगे का सफ़र कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली हमारा ट्रेन उज्जैन से निकल चुका है, और देख सकते हैं हमारे सभी दोस्त इधर और इधर सभी अपना सीट ग्रहण कर चुके हैं, और अपन पहुँच जाएंगे कल दोपहर तक बिलासपुर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में। पाएँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, और अपन लोग की ट्रेन अभी कौन से स्टेशन पे? शहडोल पहुंचने वाली है दोस्तों। तो जल्दी से, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बस अपन 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे बिलासपुर। देख सकते हैं हमारी टीम पूरी सब उठ चुकी है और सब फ्रेश हो चुके हैं, अब हम लोग को बस चाय का इंतजार है, उसके बाद फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे के सफ़र में। वाओ, तो दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे से टनल आने वाला है, और आ गया दोस्तों टनल, यो हो। तो चलो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ टनल यहाँ का, देख सकते हैं दोस्तों कितनी गहरी खाई है ये, और यहाँ पर है दोस्तों टनल, और अब हम एंटर कर रहे हैं टनल में। ये देखिए ट्रेन की स्पीड एकदम स्लो हो चुकी है, और टनल में कहीं चोर तो नहीं होंगे दोस्तों जब मेरा मोबाइल छीन ले बाहर। तो दोस्तों देखिए हम टनल में एंट्री कर रहे हैं, और ये अपन घूम चुके हैं टनल के अंदर।
20 घंटे का सफर तय करने बाद दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं उसलापुर। यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है उसलापुर और ट्रेन एकदम स्लो स्लो चल रही है और हमको लगता है कि 5 से 6 मिनट में अपन पहुंच जाएंगे उसलापुर दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं उसलापुर में। वाह दोस्तों, देख सकते हैं फाइनली अपन आ चुके हैं उसलापुर और यही है दोस्तों हमारी मंजिल। तो मंजिल अपन को 20 घंटे के सफर के बाद मिली है। तो जल्दी से मैं जाता हूँ दोस्तों पीछे और अपना सामान वामान पैक करके खा लूँगा। ये देखिए दोस्तों उसलापुर मिल गया दोस्तों, इस बैनर को देखिए। तो दोस्तों फाइनली अपन आ चुके हैं उसलापुर स्टेशन। देख सकते हैं युवक भाई मेरे को लेने आ गए हैं और बाकी सभी और दोस्त लोग आए हैं जो निकल चुके हैं आगे अभी। और हम लोग एक दोस्त का वेट कर रहे हैं क्योंकि इस भाई के लिए अभी गाड़ी नहीं आया बेचारे के लिए। तो कितना टाइम आएगा वो? 5 मिनट में दोस्तों आने वाला है, उसके बाद अपन जाएंगे घर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों फाइनली 20 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं आ चुका हूँ घर पे और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं ना अभी सोया नहीं हुआ तो मैं आप मेरे फेस से समझ सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो दोस्तों अपने दोस्तों लोगों को। और मैं इस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप अगर उज्जैन जाना चाहते हैं तो आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए और वहाँ क्या करना चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।